आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। और आज देश की क्या बड़ी खबरें हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायती पंच के जरिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली को दहलाने की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारी जो एटीएस की टीम है, उसने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पूरी खबर आपको बताएं, यूपी एटीएस ने मथुरा के पास से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर दो लोगों की तलाश दिल्ली के पास जामा मस्जिद के आसपास की गई है, जहां पर खबर ये मिली कि उन दोनों आतंकियों ने होटल छोड़ दिया है तलाशी से पहले ही, यानी उनको कोई भनक जरूर लग गई होगी। हालांकि उनकी तलाश लगातार जारी है और ये तीनों मिलकर जो आतंकी पकड़ा गया है, जो संदिग्ध पकड़ा गया है, उसकी पूछताछ में जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक ये थी कि 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही थी जिसे फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। इस पकड़े गए संदिग्ध से और क्या कुछ जानकारी निकल कर आएगी और क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये आज की बड़ी खबर है, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं इस तरीके के मामले को लेकर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, योगी सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जी हां, योगी सरकार ने यह कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो। जिस तरीके का लाउडस्पीकर को लेकर शोर सुनने में आ रहा है राजनीतिक गलियारों में, वो आज की खबर बड़ी बनी है। योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि अब लाउडस्पीकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजेंगे, लेकिन उसके बाद इसे सियासी रंग दे दिया गया। राजनीतिक गलियारों में लाउडस्पीकर बंदी का जो शोर है वो अपने चरम पर है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसमें अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ हिंदू मंदिर के पुजारी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो बहस है वो इस लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हो चुकी है, यानी ये कह सकते हैं कि लाउडस्पीकर बंद हुआ है, लेकिन लाउडस्पीकर की बंदी का शोर चारों तरफ नजर आ रहा है। जिस तरीके की टिप्पणियां सामने निकल कर आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने जा रही है अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर। यूपी में उनकी फीस, जो सालाना फीस जो होती है, वो अंधाधुंध तरीके से बढ़ाते हैं और ड्रेस, यूनिफॉर्म, किताबें, जूते तक खरीदने की बाध्यता उन अंग्रेजी स्कूलों से होती है। और योगी सरकार अब ये कह रही है कि ये पूरी तरह से इसे खत्म किया जाएगा। बस्ता, जूता या किताबें या ड्रेस खरीदने की बाध्यता पेरेंट्स की नहीं होगी स्कूल से। एक बिल लाने की बात हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी है कि एक बिल लाने की योजना है जिसमें कि सालाना कितनी फीस बढ़ाई जाएगी, इसका जो पूरा संदर्भ होगा ये सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और स्कूल से यूनिफॉर्म और शूज और किताबें खरीदने की जो बाध्यता होगी वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। अगली खबर बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, पीएम मोदी मध्य प्रदेश में है और आपको बता दें कि वहां पे डीजीपी और आईजीपी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और आज ग्वालियर में मौजूद है पीएम मोदी, वहां संबोधन भी है उनका। आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम दिग्गज जो कद्दावर मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो सब भी वहीं पर मौजूद होंगे। और एक पूरा माहौल है जो कि सेना के कार्यक्रम को समर्पित है। पीएम मोदी हमेशा से जवानों का उत्साहवर्धन करते रहे, अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और अगली खबर भी कुछ इसी से जुड़ी हुई है। नौसेना आज पश्चिमी तट पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद हैं। पंचायती पंच की ये स्पेशल खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद हैं और नौसेना का उत्साहवर्धन कर रही हैं। आपको बता दें कि नौसेना के भीतर तमाम जहाज, तमाम शक्तिशाली पनडुब्बियां हैं, लेकिन आज उन पनडुब्बियों, उन बड़े जहाजों का प्रदर्शन होगा पश्चिमी तट पर। नौसेना, भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखाएगी उन दुश्मनों को, जिनको कि देखकर शायद वो कांप जाएं या डर जाएं भारत पर कुछ भी गलत सोचने से पहले। जी हाँ, पश्चिमी तट पर आज नौसेना का शक्ति प्रदर्शन है। अब तक की 5 बड़ी खबरें थी ये हमने आपको बताई और क्या कुछ अपडेट्स इन खबरों में होगी ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए पंचायती पंच में इतना ही। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो, अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।